स्विफ्ट डिजायर कार में हूटर बजाकर, शीशे पर पुलिस का लोगो लगाकर, पुलिस जैसी धौस जमाकर, अवैध वसूली करने के साथ बाइक सवारों से चालान के नाम पर वसूली करने वाले फर्जी पुलिसकर्मी हुए गिरफ्तार। हमारे इस खबर को आप देखिए और यह समझने का प्रयास कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को उसके कहने पर आप उसको पुलिस ना समझिए, क्योंकि आज के समय में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फर्जी पुलिस वाले घूम रहे हैं जो आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपसे मोटी रकम की वसूली कर सकते हैं। इसलिए पहले पुष्टि कीजिए, उसके बाद आगे की कोई भी समस्या हो तो उसे पुलिस के सामने रखिए। उत्तर प्रदेश से कभी कभी अजीबोगरीब मामले सामने आ जाते हैं। आज बहराइच जिले के थाना विशेषरगंज गांव के पूर्वी पुरवा से पुलिसकर्मियों ने 4 फर्जी पुलिसकर्मियों को धर दबोचा है। यह चारों व्यक्ति जो अपने आप को पुलिस बताकर लोगों को गुमराह करते थे और उनसे वसूली करते थे, वह बगल के जिले गोंडा के रहने वाले हैं। बहराइच के अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा बताया गया कि जो चारों व्यक्ति गोंडा जिले के रहने वाले हैं, उनका नाम अजय सिंह, सतीश सिंह, पिंटू सिंह, श्रीराम मिश्रा है। ये सभी चारों व्यक्तियों के द्वारा स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर, शीशे पर पुलिस का लोगो लगाकर, फर्जी पुलिस बनकर, हूटर बजाते हुए एक लकड़ी के ठेकेदार को रोका गया, जिनसे अपने आप को पुलिस बताते हुए जांच पड़ताल किया गया और 20,000 रुपये की मांग किया गया। उसी दौरान सड़क पर निकलने वाले कई बाइक सवारों को रोककर उनका चालान काटने के नाम पर उनसे अवैध वसूली किया गया। जब इसकी शिकायत जिले के उच्च अधिकारियों से हुई तो स्थानीय पुलिस दंग रह गई, जिसके बाद विशेषरगंज थाना पुलिस के द्वारा उन पुलिसकर्मियों की तलाश शुरू कर दी गई जो अपने आप को पुलिस बताकर लोगों से अवैध वसूली करते थे। हालांकि कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद विशेषरगंज पुलिस को सफलता हाथ लग ही गई। जो अपने आप को पुलिस बताकर लोगों से फर्जी वसूली किया करते थे, उन तक पुलिस का हाथ पहुँच गया। विशेषरगंज पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के पूर्वी पुरवा से अपने आप को पुलिस बताने वाले चारों फर्जी पुलिसकर्मियों को धर दबोचा गया, जिसके पास से पुलिसकर्मियों को अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 स्विफ्ट डिजायर कार बरामद हुई है। हालांकि विशेषज्ञ पुलिस के द्वारा 4 फर्जी पुलिसकर्मियों को जेल भेज दिया गया है। बहराइच जिले से न्यूज एडिट यूपी के लिए रेहान कादरी की रिपोर्ट। विशेषगंज थाना क्षेत्र में पूर्वी पुरवा एक गाँव है, जहाँ पे रामेश्वर यादव जी एक किसान हैं, उन्होंने अपना खेत वो पेड़ बेचा हुआ था और उसका ठेकेदार कटाई करा करके उसको ले जा रहा था। तो उसमें 4 व्यक्ति थे, अजय सिंह, सतीश सिंह, श्रीराम मिश्रा और पिंटू परम कुमार सिंह, ये गोंडा के रहने वाले हैं। ये लोग स्विफ्ट गाड़ी से आए और उस पर होटल लगा हुआ था, गाड़ी पे शीशे पे पुलिस लिखा हुआ था, होटल बजाते हुए आए और इन्होंने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की कि हम लोग पुलिस वाले हैं और तुम बिना परमिट के कैसे पेड़ कटवा रहे हो, और उसको उन्होंने 20,000 रुपये की मांग की वहाँ पर। इसी तरह से 2-3 लोग और थे जो हेलमेट लगा के नहीं जा रहे थे, तो उनको उन्होंने रोक करके जो है उसको चालान करने की कोशिश की और उनको पैसा वसूलने की कोशिश किया। इस की सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने तत्काल उसमें एक्शन लेते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया। गाड़ी से इनकी गाड़ी रिकवर हुई है, इनके पास एक तमंचा और 2 कारतूस था, उसको रिकवर किया पुलिस ने और ये 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध FIR दर्ज करके कार्रवाई कराई जा रही है।